Hello. Let me just quickly check on YouTube as well. क्योंकि YouTube पे एक और दूसरा लिंक अभी स्टार्ट हुआ होगा. So yes, I think YouTube पे भी दूसरा लाइव हो गया है. क्या दूसरा लाइव YouTube पे भी दूसरा लाइव हो गया है? ओके, ऑडियो वीडियो मुझे यहाँ पर भी सही लग रही है, YouTube के ऊपर भी. यस वीर कुमार सिंह बता देना, और आप इधर भी बता दो. क्रिश, मीनियन, हुमा बता दो यार, सब सही है. मैं एक बार अपना दूसरे मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में चार्जिंग पे रखा था, आपको याद होगा. अब इस वीडियो में उसको लेके आ जाता हूँ. चलिए, यप, ग्रेट. सो सभी को दिख रहा है क्लियर? सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर एज वेल. सो भाई बता देना यार, करूं मैं स्टार्ट? ओके, मैं अपना स्टार्ट करता हूं, आप लोग तब तक ऑडियो वीडियो चेक करते रहो और मुझे बताते रहो. सो दोस्तों, ये मैराथन का आखिरी वीडियो आ चुका है. हाय अभी. और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट. अब इसमें हम लोग अब जो चालू होगा वो वोकैबुलरी रहेगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, नोट मेकिंग एंड देन ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अब इसमें मेरा करने वाला कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको हिंट, टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ. पूरे के पूरे जो वीडियोस है उसका इस तरह से हमने बाइफरकेट किया. यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है. हालांकि दो लास्ट के वीडियोस हमने जो ब्लू में है ये स्पेशल क्लास में लिए, फिर भी ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. जिसको अपना इंटरनेट बचाना है वो स्पेशल क्लास पे आके देख सकता है, और जो यूट्यूब से कंफर्टेबल है वो यूट्यूब पे देख सकता है. हर जगह हमने हमारी सारी वीडियोस लगाई है. बताइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है सी आदर्श जोशी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन. आई हैव फैबुलस एंड वंडरफुल ग्रुप ऑन लॉ. दैट्स द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ एंड बीसीआर फ्रॉम सो मेनी इयर्स नाउ. आई हैव अपलोडेड नियरली 600 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy like combined. So please take out time and take out all those videos. Guys, टेलीग्राम चैनल हमारा चेक कर लो, live.me/unacademy.ca आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो. आपको प्लस के एडवांटेजेस बता दूं. लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो प्लस के अलावा आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी देने को मिलेगा. बहुत सारे बैचेस है हमारे. लक्ष्य नवंबर 20 बैच भी है. लक्ष्य का हमारा ऑलरेडी बैच भी हुआ था, उसमें भी वीडियोज आप देख सकते हो. आरटीपी, एमटीपी, राइटिंग प्रैक्टिस के बैचेस भी तो जो आप देख सकते हो. हाय अशोक. इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास ऑप्शन है 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का. सारी ऑप्शंस में सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. 6 month, 12 month, 24 month, ये तीन ऑल्टरनेटिव्स आपके आइकॉनिक में भी अवेलेबल है. यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. चलिए, अब मैं आ रहा हूँ आगे. मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसको बच्चों को समझने में दिक्कत आती थी, वो मैंने दो चीजें कर ली. एक तो ये कर लिया और इसका यूनिट 2 कर लिया. अब यूनिट 3 में मुझे कुछ करना ही नहीं है. ये आपके अभी तक की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. तो मैं इसको बहुत क्विकली आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या है जो आपको देखना है और जो एग्जाम में आने वाला है. उसके आगे हम लोग सिर्फ डिस्कशन करते चलेंगे आगे वाले चैप्टर्स का. तो मैं जल्दी से आपको मैं लेकर आ जाता हूं यूनिट नंबर 3 में. एक सेकेंड, है ना? यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 2 में बहुत सारी कंसेप्ट्स थी, बहुत सारे ग्रामेटिकल चीजें थी. उसमें भी एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना. जो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नया आया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा मैनेज करना. जो प्रैक्टिस के सेशंस मैंने आपको दिए ना, प्रैक्टिस वाली स्लाइड्स, वो जरूर कर देना, ठीक है? चलिए, हैप्पी बर्थडे नंदिनी टू यू टू. चलिए, वोकैबुलरी में हम लोगों ने बहुत सारी, देखो ये सारी चीजें कि क्यों वोकैबुलरी जानना जरूरी है, आपको मैंने सब मेन क्लास में बढ़ा दिया है. बेसिक वोकैबुलरी होती है और हाई फ्रिक्वेंसी वोकैबुलरी होती है, लेकिन दोनों की जरूरत है. वोकैबुलरी को कैसे बढ़ाए, देखो आप नो बहुत सारे टाइप की वोकैबुलरी होती है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग वोकैबुलरी जो आप सुनते हो, स्पीकिंग जो आप बोलते हो, रीडिंग जो आप पढ़ते हो और राइटिंग जो आप लिखते हो, ठीक है? देयर आर कुछ एक्सप्रेसिव होती है और कुछ रिसेप्टिव वोकैबुलरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ सुन रहा हूं तो वो मेरी रिसेप्टिव वोकैबुलरी है. अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, वो मेरी रिसेप्टिव वोकैबुलरी, जो मुझे जो इनपुट आ रहा है, जो वोकैबुलरी इन आ रही है, वो चाहे रीडिंग से आए या सुनने से आए, वो रिसेप्टिव. और जो आउटपुट जा रहा है, जो स्पीकिंग से जा रहा हो या जो राइटिंग से जा रहा हो, ये एक्सप्रेसिव हो जाती है. लिसनिंग और स्पीकिंग ये ओरल वोकैबुलरी में आता है. रीडिंग एंड राइटिंग, ये रिटन वोकैबुलरी में आता है। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप ओरल, रिटन, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव को इस तरह से बाइफर्केट कर सकते हो। ओरल वोकैबुलरी में आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिसेप्टिव रिटन में आता है रीडिंग एंड राइटिंग, रिसेप्टिव में आता है लिसनिंग एंड रीडिंग, वेरा स्पीकिंग में आता है एक्सप्रेसिव में आता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। इस तरह से इसको आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, वॉट आर द वेज ऑफ बिल्डिंग वोकैबुलरी, ये सारे आप चाहे तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेन कंसेप्ट जो आपके इसमें जो आपको एक्चुअल एग्जाम में पूछने वाले हैं वो है वॉट आर द सिनोनिम्स एंड वॉट आर द एंटोनिम्स। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंड आई थिंक यही सबसे ज्यादा आता है, इसको आपको ध्यान से करना है। मैं अब आपको बैठ के सिनोनिम मतलब क्या नहीं और एंटोनिम मतलब क्या नहीं बता सकता, बिकॉज आपका परसों एग्जाम है, लिटरली मतलब पेपर है आपका। सो synonym, similar, foreign words which are borrowed from other language, connotations, they invoke an idea or a feeling. For example, मैंने आपको बोला ना कि fat, अगर मैं इसको बोलूँ here it looks too fat, एक connotation, इसका connotation negative है। फिर आता है antonym that is opposite, फिर आता है collocation, words जो एक relationship के साथ आसपास में चलते हैं, idioms and phrasal verbs। idiom मतलब जिनका literal meaning कुछ और actual meaning कुछ और होता है, phrasal verb मतलब ये multi word का verbs होता है। Then here are some points to remember in the quest of boost the better vocabulary. Be aware of the words, read voraciously, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के पास लेकर जाता हूँ। सबसे पहले कोनोटेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कोनोटेशंस? कोनोटेशंस यानी थैंक यू नेहा, नेही अग्रवाल, दिस मीन्स अ लॉट नेही, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोनोटेशंस का मतलब होता है कि वो जो फीलिंग जो आता है वर्ड के साथ वो क्या है, वो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, करेक्ट। डिनोटेशंस क्या होता है? डिनोटेशन इज द यू नो कि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब आप उसको बोल सकते हो। तो द सजेस्टिंग ऑफ अ मीनिंग ऑफ अ बाय अ वर्ड अपार्ट फ्रॉम दैम थिंग्स इट एक्सप्लिसिटली मीन्स टू डिस्क्राइब। The strict dictionary definition of the word is called as denotation, whereas the feeling, emotions associated with the words are called as connotation. Connotation can be positive as well as negative. For example, अगर मैं किसी को बोलूँ you look too fat, तो fat ये positive negative connotation देता है। लेकिन मैं अगर आपको chubby बोलूँ, तो chubby में थोड़ा सा you know ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, मतलब positive नहीं बोलूँगा but negative नहीं है at least। और मतलब ये कॉनोटेशन है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है बट उसके फीलिंग अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि से फॉर एग्जांपल अभी स्लिम और स्लेंडर, ये भी वर्ड है, सेम है लेकिन आपको समझेगा इसका मतलब। फिर इसके बाद होम और हाउस। अब होम थोड़ा मतलब ऐसा घर वाला फीलिंग आता है, बट हाउस बोला तो ऐसा लगता है बिल्डिंग है भाई, चार दीवारें, छत। सो कॉनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सजेस्ट करते हैं कि आप किससे बात करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको जरा देख लो। वर्बोस और एलोक्वेंट। वर्बोस जो होता है ना ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है कि यार आप बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हो, यू आर टू वर्बोस टू एक्सप्लेन एनीथिंग। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि शी इज वेरी एलोक्वेंट, एलोक्वेंट साउंड्स अ बिट पॉजिटिव कि अरे नहीं, मतलब वो अपनी आइडियाज बहुत मूविंगली एक्सप्रेस कर सकती है, बहुत विविडली एक्सप्रेस कर सकती है। मैं बोलूं स्टेंच तो आपको नेगेटिव लगेगा, अरोमा पॉजिटिव। चीप गंदा लगता है, थ्रिफ्टी यार स्मार्ट है, जहां करना चाहिए वहीं खर्चा करता है। यंग न्यूट्रल लगता है, यूथफुल पॉजिटिव लगता है, चाइल्डिश नेगेटिव लगता है, प्राउड न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी आप बोल सकते हो, कॉन्फिडेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, कंसीटेड नेगेटिव लगता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है। हेडस्ट्रॉन्ग थोड़ा नेगेटिव लगता है बट डिटरमाइंड पॉजिटिव लगता है। स्क्रॉनी ऑफकोर्स नेगेटिव लगता है, स्लेंडर पॉजिटिव लगता है, ठीक है। और स्लिम इसमें न्यूट्रल है, स्लिम अगर यहाँ पर होता तो न्यूट्रल होता, बिकॉज इट्स नॉट इवन बैड एंड यू कांट से दैट इट्स एक्सट्रीमली गुड एज वेल, स्लिम बीच में आता है। बट अगर मैं इसको स्क्रॉनी बोलूंगा, अरे यार क्या हड्डी का ढांचा बचा है, सो वो एकदम नेगेटिव साउंड करता है। क्रिपल्ड नेगेटिव साउंड करता है, डिसेबल्ड थोड़ा न्यूट्रल साउंड करता है, ठीक है। सो कैटेगराइज द, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, चांसेस आर लेस, बट आप पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन आप इसमें बता सकते हो। लेट मी गो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आ सकता है वो मैं आपको बोलूंगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इस पे स्टार मार्क कर लो, इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? गूगल करो। मैंने नोटिस किया गूगल पे जो हमको जो लिस्ट मिलती है उसमें से कई बार एज इट इज एग्जाम में उठा के पूछा जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक गूगल से कुछ पढ़ के जा रहे हो और कि आपको मिल गया, मतलब एज इट इज। तो सबसे पहले सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लेंदी, बट सिमिलर वर्ड्स हो सकता है लेकिन हर जगह सेम यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, कॉस्ट, चार्ज और फी। तीनों का मतलब सेम है, आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है, कॉस्ट भी, चार्ज भी और फीस भी। लेकिन कॉस्ट आप यूज करते हो व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू बाय और टू मेक और डू समथिंग। एट द सेम टाइम चार्ज आप कब बोलते हो, चार्ज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज आस्क्ड इन रिटर्न फॉर द गुड्स और अ सर्विस। एंड फीस कब बोलते हो, ये प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस के अगेंस्ट में जो ले आते हैं। वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बट अलग अलग सेंस में आप यूज कर सकते हो। फिर कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम, जैसे पुश और पुल, और होता है रिलेशनल एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम का मतलब पता है आपको, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स। और एक होता है पुश एंड पुल, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे स्टार्ट स्टॉप, पुश पुल, है ना, इनसाइड आउट, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स है। रिलेशनल एंटोनिम होते हैं फॉर एग्जाम्पल बोरो, लेंड, टीचर, स्टूडेंट। एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट अपोजिट नहीं है, बट वो रिलेशनली अपोजिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड सन, रिलेशनली अपोजिट है। Quite often an antonym can be made by adding a prefix. For example, likely का unlikely, symmetric का asymmetrical, entity का non-entity और decent का indecent। ये सब जगह पे आपने देखा, सिर्फ आपने किया क्या है, आपने यहाँ पर हर जगह पर prefix लगाकर इसको कर दिया है opposite antonym। ऐसे भी आप तो, अरे हाँ, एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपको एंटोनिम समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ये भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स ऑप्शन में वो रहना चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क के आएंगे ये, और इसका हमेशा 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 में से 2 ऑप्शन ऑलवेज ऐसे रहते हैं जो आप उसको एज इट इज इग्नोर कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, और उन दोनों में से एक जब आप डिसाइड करोगे तो एक चीज को ध्यान में रखते डिसाइड करना कि जो वर्ड है उससे सबसे ज्यादा क्लोजली क्या एसोसिएट हो रहा है इन केस ऑफ सिनोनिम, और सबसे अपोजिट क्या हो रहा है इन केस ऑफ एंटोनिम। 2 एकदम अलग आते हैं और 2 थोड़े से कंफ्यूजिंग आते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, से फॉर एग्जांपल ऐसा मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा। वैसे क्वेश्चन नंबर, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है या क्वेश्चन नंबर 8 के ए में लिखा है एंटोनिम ऑफ, उसके नीचे, इसके नीचे लिखा है वर्ड, से फॉर एग्जांपल एंटोनिम ऑफ गुड, और ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, है ना, बैड, फिर उसके अलावा वो 2-4 इधर उधर के वर्ड रहेंगे। तो आपको उसमें सिर्फ आंसर 8A1 और सीधा आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन दोबारा लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। 8 ऐसे लिखेंगे आप, ANS 8, फिर आप लिखेंगे A1 और जो भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल बैड, That's it। आपको क्वेश्चन दोबारा गुड फिर एंटोनिम बैड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बैड ऐसा आप लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर, डोंट वेस्ट टाइम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स है और उसके सिनोनिम एंटोनिम है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। इनमें से बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैंटी, बोलेंगे व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ स्कैंटी, और उसमें से एक रहेगा लेस, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। व्हाट आर द एंटोनिम ऑफ स्कैंटी, उसमें से एक रहेगा फुल ऑफ, तो आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा, ये कंपल्सरीली आपके पेपर में रहने वाला है। आप जो चाहे कर लो, पेपर में ये आना है, यानी आना है, आना है यानी आना ही है, ठीक है। यस, हाँ, आपको ये नहीं आएगा बेटा कहीं कहीं, आपको कोई और OMR शीट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। आपको अपने मेन आंसर पेपर में इसको लिखना है, कोई अलग आपको डॉक्यूमेंट इसके लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यू गाइज कैन प्रैक्टिस, लॉट ऑफ देम आर गिवन इन द मॉड्यूल। यहाँ पर मैंने आपको दे रखे, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं कि मैं सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करवाऊँ, आंसर मैंने सारे यहाँ पर दे रखे। आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। देखो इसने क्या किया, क्वेश्चन दोबारा लिखा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 ANS डिस्ट्रॉय ऐसा लिख देना, मैनी, कंटिन्यूस, ओपनिंग, ये सब। ये देखो, ऑब्लिटरेट का डिस्ट्रॉय, मिरिट का मैनी, परपेचुअल का कंटिन्यूस, फ्यूचर का ओपन, डिस्पॉट का टैरेंट, ये सारे मीनिंग है। रिमोर्स का जोवियल, अपोजिट, डिस्पैरेज, यूलॉज, वेक्स का एम्यूज, नोवाइज, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टी, इंडिसेंट, ये एंटोनिम्स है। आप ऐसे भी, टाइम कम है तो ऐसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो डायरेक्टली। फिर आता है रूट्स ऑफ द वर्ड। रूट मतलब कि भाई ये वर्ड कहाँ से निकले, कहाँ से जन्म हुए, है ना। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, ये वर्ड का रूट वर्ड है रन। कभी कभी ना रूट वर्ड इन इटसेल्फ कोई मतलब नहीं क्रिएट करता. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड रिजेक्ट इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स री एंड द लैटिन रूट जेक्ट. लेकिन अगर मैं अब जेक्ट का किसी को बोलूं तो इसका कोई स्टैंड अलोन वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन इंजेक्ट, रिजेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, ये सारे जेक्ट जहां जहां लगते हैं वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो. लेकिन इन इटसेल्फ इसका कोई मीनिंग नहीं है. इजेक्ट, यस. फिर आता है यहाँ पे सारे, आप इसको एक बार जरूर इस चैप्टर इसको पढ़ के जाइएगा, बट इसके चांसेस लेस है. मैंने आपको बोला सिनोनिम एंटोनिम यूजुअली पूछा जाता है इस पूरे चैप्टर में से, और ज्यादा कुछ आता नहीं है. फिर भी आप पढ़ के जा सकते हो. ये सारे रूट ऑफ द वर्ड्स है और उसके बहुत सारे वर्ड्स यहाँ देख के रखे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. अच्छा, ऐसी एक्सरसाइज अगर आती है कि मेक अ न्यू वर्ड कंबाइनिंग रूट वर्ड एंड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस, ये सबसे इजी है. आप हर व्हेन इन डाउट सारे ऑप्शन लगाकर देखो. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्ट का क्या लगाओ, तो सब लगा के देखो, डी एक्ट, ओवर एक्ट, एंटी एक्ट, प्री एक्ट, डिस एक्ट. तो आपको समझ में आया ओवर एक्ट थोड़ा लग रहा है, सही लग रहा है. ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हो और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. थोड़ा सा दिमाग वहां पे आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये भी है रूट वर्ड्स. डुओ का मतलब होता है टू, ऑट का मतलब होता है साउंड, बिब्लो का मतलब होता है बुक, सेट का मतलब होता है गो और ईगो का मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करके भी सॉल्व कर सकते हो. और इसके भी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. ओवर एक्ट ही था ना कि कुछ और था? ओवर एक्ट ही था. फिर आते हैं प्रीफिक्स सफिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये भी पूछा नहीं जाता, सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम में इंस्टीट्यूट खुश हो गई है. प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ? जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में फिक्स होता है. सफिक्स क्या होता है? जो एंड ऑफ द वर्ड में फिक्स होता है. ठीक है, तो कलेक्टिवली दोनों को मिलकर कहा जाता है अफिक्सेस. अफिक्सेस में दो आते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है. हाँ, बच्चों को डेयर कर देते हैं, सही बात है. हाँ, यस, अपने नाम के सामने आपको सीए ये प्रीफिक्स लगाने के लिए सब मेहनत चल रही है. सो प्रीफिक्स और सफिक्स बड़े आसान है, आप देख सकते हो. ये सारे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस है. इसमें आप बहुत, इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें से कोई ना कोई वर्ड आपको निकाला जा सकता है. यूज द प्रीफिक्स टू फाइंड द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. अनरैप, डिस्कनेक्ट, मिसबिहेव, अनफोल्ड और मिसस्पेल, ऐसे आप बना सकते हो. फिर चलते हैं फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रेजल वर्ब का मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज अ वर्ब. एंड ये मैंने आपको वहां पर पढ़ाया अभी लास्ट इसमें. पास अवे, पास अवे का मतलब होता है डाई. पास आउट, लूज कॉन्शियसनेस. पास अप, डिक्लाइन और अपॉर्चुनिटी. हाय सर, फिर हम भी बोलेंगे हेलो गाइज, आई एम सीए क्रिश एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय. अरे यस यस, ऑफ कोर्स आप भी बोलेंगे फॉर श्योर वेरी सून. ओके, देन फ्रेजल वर्ब्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जरूरी नहीं है, आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो. मेन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फिर अब आई थिंक अब कोलोकेशंस आएगा. यस, कोलोकेशंस, वर्ड्स विच आर हैबिचुअली अपीयर टुगेदर. फॉर एग्जांपल हैवी रेन. अब देखो, आप नहीं बोलते स्ट्रॉन्ग रेन, बिग रेन, लार्ज रेन, नहीं बोलते. आप क्या बोलते हो? हैवी रेन. हैवी रेन. दिस आर द वर्ड्स विच ट्रैवल टुगेदर. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोलोकेशंस, आप इसको देख सकते हो. सब एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल नाउन के लिए टी लीफ, सर्विस इंडस्ट्री, सिंगल एंट्री, डेथ कैंप. नाउन प्लस वर्ब के लिए वाटर फ्लो, बियर, गाउल, पिग्स, ग्रंट. एडजेक्टिव प्लस नाउन के लिए बर्निंग, सेंसेशन, ब्लर्ड विजन. एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये थोड़े से कम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली सेटिस्फाइड, infinitesimally small, meticulously studied. फिर verb and adverb. For example, performed magically, outstandingly, performed outstandingly, sang melodiously, read thoroughly, है ना, informed repeatedly. These are the collocations. फिर इसके आंसर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछते नहीं है यूजुअली. फिर आते हैं idioms. This can be asked in exam. ये idioms can be asked in exam. इस पे भी एक बार स्टार कर लेना. Idioms मतलब these are the expression that takes the figurative speech. यानी यहाँ पर literal meaning avoid करते. For example, to beat black and blue, बोले नीले रंग को और काले रंग को मारना. अरे उसका मतलब ये नहीं है. to beat black and blue का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कूटा है किसी को. a hard nut to crack, इसका मतलब होता है कि भाई ये बहुत ही ढीठ इंसान है, इसको कोई मनाना किसी चीज के लिए बड़ा नामुमकिन सा है, is what it means. तो idioms प्लीज एक बार सारे पढ़ो. ब्लैक शिप मतलब ऑड वन इन द फैमिली, बेड ऑफ रोजेस मतलब कंफर्टेबल लाइफ, बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीट वेरी बैडली, टू ब्लोज वन ट्रम्पेट मतलब किसी की बहुत ज्यादा खुद की तारीफ करना. किट एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स. हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट पर्सन. कोल्ड रिसेप्शन मतलब अनवेलकम फीलिंग. लायन शेयर मतलब मेजर प्रॉफिट, ह्यूज गेन, ह्यूज इनकम या ह्यूज पार्ट. देन अदर फिश टू फ्राई मतलब अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स टू डू. ऑल एंड सन्ड्री मतलब कि वन एंड ऑल. स्पिक एंड स्पैन मतलब क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज. स्क्वायर मील का मतलब होता है कंप्लीट मील. सो दीज आर ऑल द थिंग दैट यू कैन टेक अ लुक एट. एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि भाई इसका मतलब बताओ, या आपको बोलेंगे कि अ हरक्यूलियन टास्क और फिर नीचे ऑप्शन दिया रहेगा इजी टास्क, फिर डिफिकल्ट टास्क, इम्पॉसिबल टास्क, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे. आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, डिफिकल्ट टास्क. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक फ्रेज दिया रहेगा, ईडियम दिया रहेगा और आपको बोलेंगे उसका मतलब, इनमें से कौन सा बेस्ट मतलब लगता है आपको वो सिलेक्ट करो. ऐसे क्वेश्चन इसके आएंगे. ओके, तो इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए है, आप इसको एक बार चेकआउट करके इसके भी सॉल्यूशंस मैंने दिए है, आप उसको देख सकते हो. अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको अब देखो बुक से हम लोग अब हट जाएंगे, बुक की अब जरूरत नहीं, इसके बाद के सारे चैप्टर्स में बुक से हट जाएंगे. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व करने का, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, फिर एक और बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ो और जहां पर आपको आंसर दिख रहा है हल्के हाथ से एक ऐसा पॉइंट निकालो, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, अपने दिमाग में नोट करके रख सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना अलाउड नहीं है, तो वो देखना कि चीटिंग ना हो जाए. पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब सेकंड रीडिंग करते हो ना तो आपको खटाखट खटाखट आंसर मिलने लग जाता है. अगर आप फर्स्ट रीडिंग के बाद क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन आपको लग रहा है अरे इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, तो उसको आप पहले ही अंडरलाइन कर लो. और अगर एक आधी क्वेश्चन बच रहा है तो उतना फास्ट रीड करो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि बस मुझे यही क्वेश्चन ढूंढना है, बाकी तो मुझे मिल गए. ओके, अब कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी सिनोनिम एंटोनिम घुसा देते वो लोग, वो भी देखना. और समरी, हमेशा क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ समरी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी आप उसको ख्याल रखना. सबसे बेस्ट चीज अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस देखो. एक एक मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, उस पर आप गांव भर की चीजें मत लिखो, एक मार्क के लिए एक मार्क का ही वर्ड लिखो. 1.5 मिनट के ऊपर आप एक मार्क के लिए नहीं देना है. 1.5 टू 1.6 मिनट्स पर मार्क, इसके ऊपर नहीं. 1.8 नॉर्मली मिलता है, लेकिन रीडिंग में लाइन नहीं खींचने में बहुत टाइम जाता है. दोनों तरफ मार्जिन खींचने वाले हो आप, एक मार्जिन तो ऑलरेडी आती है और यहाँ बीच में आप आंसर लिखेंगे. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये मार्जिन को इग्नोर करना मत, वरना आपके पेपर में हो सकता है कॉर्नर तक लिखी चीजें फट जाए या उस पर मार्क्स ना दिए जाए, ठीक है. सो यहाँ पर आपको पैसेज रीड आउट करना और पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स देने हैं कभी, और यूजुअली आंसर्स बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल आंसर्स होते हैं, ठीक है. तो रीड अर्ली, ये सारी चीजें अब आपके एग्जाम के एक दिन पहले मुझे नहीं लगता ये जरा जरूरी है. ये अभी तक जो करना था ये आपने कर लिया. हाँ, नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बताना था मैंने आपको इस यूनिट में बता दिया है, ठीक है. आपको ऐसे पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे सुटेबल क्वेश्चन रहेंगे. यू विल हैव टू रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट, देन क्वेश्चन पूछो, गिव द सुटेबल टाइटल. ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं, लेकिन आए तो, एंड एक्सप्रेस द मेन आइडिया, बस उतना एक्सप्रेस कर लेना. ऐसे आपको पैसेज दिए रहेंगे, बड़े पैसेज रहेंगे. बड़े पैसेज देख के डरना नहीं. जितने भी पैसेज होते हैं, जितने भी बड़े पैसेज होते हैं, उसके आंसर्स ढूंढना काफी इजी होता है, मैंने नोटिस किया. और जितने छोटे पैसेज होते हैं उतना ही उसके आंसर्स ढूंढना मुश्किल होता है. तो इनफैक्ट बड़े पैसेज आए तो ज्यादा खुश हो जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे. और जितना साइंस और ऐसा कुछ रहा ना कि समझ ही नहीं रहा पैसेज किस पे, उतना खुश हो जाना क्योंकि उतने आसान क्वेश्चन दिए रहेंगे. और जितना सिंपल टू अंडरस्टैंड पैसेज रहेगा, अगर एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड पैसेज है तो वो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते कि गिव द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, फिर आपको परेशान, अरे यार अब मेन आइडिया क्या लिखने का, वो लिखने वाली बात आ जाती फिर. लेकिन अगर डिफिकल्ट पैसेज है कि ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें 3 टाइप रहते हैं, ये वो, ऐसे पैसेज को आंसर बड़ा सिंपल हो, लोग क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको बस वो देख के एज इट इज लिखना होता है, ठीक है. और उसमें भी कभी कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप रेडी रहना, ठीक है. पैसेज में ये, और ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंडेटरी आने वाला है. ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंडेटरीली आने वाला है. एंड मेनी टाइम्स योर आंसर विल बी जस्ट लाइक दिस कि क्वेश्चन नंबर 7A1, 7A2 का B, ऐसे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है. पूरा आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. नोट मेकिंग में बहुत सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है. सबसे पहले तो यस, नोट मेकिंग एग्जाम में आता है. आपको नोट मेकिंग के लिए क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी है यहाँ पर देख लो. रीड द टेक्स्ट एटलीस्ट ट्वाइस, यहाँ पे लिखा एटलीस्ट मेरे को भी लगता है कि एक से दो बार तो पढ़ना ही चाहिए यार, है ना। आपको एक बार ओवरव्यू मिलता है, दूसरी बार आपको मेन आइडिया। सबसे पहले हेडिंग और टाइटल और मेन आइडिया को फोकस करो, उसको शॉर्ट रखो। लॉन्ग सेंटेंसेस का टाइटल किसी को पसंद नहीं आता। Look at how the main idea has been presented and developed. Normally, there are 3 or 4 subordinate or associated ideas. You can frame subheadings based on this. तो main idea का title बनाया और जो subordinate ideas है उसका heading बना दिया। उस heading के अंदर आप multiple brief, specific छोटे-छोटे points आप बता सकते हो। Systematically divide और subdivide करना, एक के नीचे एक करना, point regular रखना और फिर शॉर्ट फॉर्म्स आप उसको एब्रीवेशन यूज कर सकते हो। जैसी एब्रीवेशन बनाओगे तुरंत उसके कीज भी आपको निकाल के रखने हैं, ठीक है। मैं आपको एक नोट मेकिंग का एग्जांपल बताता हूं। 2 टाइप के नोट मेकिंग होता है, लीनियर, नॉन लीनियर। आपके एग्जाम में लीनियर आने वाला है। ये एक एग्जाम्पल है, देखो नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के लिए उन्होंने सबसे पहले टाइटल बताया, नोट मेकिंग टिप्स। आप सेंटर में ये टाइटल लिख सकते हो। फिर उसने उसको 3 कैटेगरीज में बांटा, रीडिंग, प्लानिंग, राइटिंग, ठीक है। अब रीडिंग, प्लानिंग और राइटिंग। रीडिंग को उसने फिर 2 इसमें भागा, रीड ट्वाइस एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रीड ट्वाइस करते तो उसने फिर सब हेडिंग में बांटा कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, सेकंड आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। प्लानिंग को फिर 3 इसमें बांटा, थीम, इंपॉर्टेंस और टाइम। राइटिंग को 2 मेन सब हेड में बांटा उसने। उसके अंदर एक था कि अबाउट 3 to 4, यूज फ्रेजेस, इग्नोर अनइम्पोर्टेंट इन्फो, इंडेंट एंड नंबर, सब हेडिंग एंड सब पॉइंट्स, एब्रीवेट लॉन्ग वर्ड्स और ऑफन रिपीटेड वर्ड्स एंड यूज कॉमन सिंबल्स एंड एक्रोनिम। ये बड़ा ट्रिकी है, यूज कॉमन सिंबल एंड एक्रोनिम। कुछ एक्रोनिम्स और कॉमन सिंबल्स होते हैं, उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो। अगर कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला लिखने, उसको पहले शॉर्ट करके एब्रीवेशन में लिख दो, आपका पूरा थ्रू आउट में टाइम बच जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं आता। नॉन लीनियर आपके सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। नॉन लीनियर भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता। आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो हेडिंग, ये टॉपिक इन क्वेश्चन का सुटेबल हेडिंग बनाना है आपको, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। सब हेडिंग बनाते वक्त भी याद रखना कि सब हेडिंग ऐसा मत बनाओ कि उसको नीचे आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो। उसमें सब हेडिंग में भी कुछ आप 1-2 सब हेडिंग बना सको। 3 ब्रांचेस, आप 3 लेयर्स तक जा सकते हो, 1, 2 and 3। इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, वो मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करता, उससे नीचे आप जाके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हाँ, अभी ये देखो इसने कितना मस्त किया। यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा, फिर यहाँ पे IA लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे IB लिखेगा, 2 आया तो यहाँ लिखेगा, 2 का A आएगा, 2 का B आएगा। से फॉर एग्जाम्पल 2 में B में 1 है, ठीक है, ये आया। तो इस तरह से भी आप मेंटेन कर सकते हो, बट प्लीज एंश्योर। अब इसके बाद अगर 3 है तो 3 यहीं पे लिखने का। इसके अगर 2C था तो यहाँ पे लिखने का, ठीक है। या इसके नीचे कुछ और था तो 2B2। तो डिपेंडिंग अपॉन उसके बाद क्या है, आपको मेंटेन करना है कि इन तीनों में से जो भी है इसके बाद वो उसी के लाइन में आप लिख रहे हो। उसको आप इधर उधर आगे पीछे मत करना। इनफैक्ट पेपर अगर पेज भी चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो भाई पेज भी अगर टर्न हो रहा है तो भी आपको ये गैप मेंशन करनी है, मतलब गैप का माइंड करते हुए आपको लिखते चलना है, ठीक है। और बाकी है एब्रीवेशन। हाँ, एब्रीवेशन, एक्रोनिम्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड स्पेस। मोरओवर देयर यूज कैन मेक योर नोट्स इजियर टू रीड। जैसे आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए नासा कर सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए RBI कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए SBI कर सकते हो, कंपनी के लिए CO कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर अब मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऐसे एब्रीवेशन कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको नीचे कीज में लिख सकते हो अगर आपको टाइम अलॉट करता है तो, ठीक है। फिर यूजुअली एब्रीवेशन बनाने के बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन को आप इन्फो, मैक्सिमम को मैक्स, स्टैट, कॉर्प, पॉपुलर को POP, INT, इस तरह से आप इनिशियल वर्ड से एब्रीवेशन क्रिएट कर सकते हो। इनिशियल एंड लास्ट से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के लिए GOV#T, इंटरनेशनल के लिए INTER#L, या डिपार्टमेंट के लिए DEPT भी कर सकते हैं, DEP#T, ऐसे करके भी आप बना सकते हो। प्रॉब्लम, अब ये सबसे कॉमन जो बच्चे यूज करते हैं। बैकग्राउंड के लिए BCKGRND बैकग्राउंड। प्लीज एंश्योर कि एक वर्ड के 2 ना बनाओ। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने ऑलरेडी बना दिया बैकग्राउंड, ठीक है। आपने, और अभी देखो अब आपने क्या किया, BACK GROU, मतलब आपने बेसिकली सिर्फ O और U काटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्थ नहीं है। अगर आप एब्रीवेट कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा एब्रीवेट करो, फॉर एग्जाम्पल BCKGND, तो भाई बैकग्राउंड। एक बार आपने ये कर दिया, एक बार आपने BCKGRND कर दिया। अब आपने एक ही वर्ड के दो एब्रीवेशन बनाए, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ऑलरेडी एक वर्ड एब्रीवेट कर चुके हो उसको दोबारा, है ना, आपको एब्रीवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट है तो जैसे माउंट, क्वार्टर, गर्ल, मिस्टर, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। जैसे KG वगैरह यूज कर सकते हो, लीटर यूज कर सकते हो, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। सफिक्स और को भी आप शॉर्टन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन को आप N कर दिया, कॉस्टिंग को NG कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन को ON कर दिया डायरेक्टली, है ना। ये एंड मतलब ऐसे जैसे प्रोडक्शन, ऐसे प्रोसेसिंग तो PR प्रोसेसिंग, डिक्रीजिंग यानी यहाँ पे मैंने क्या किया था, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा, ठीक है। चेकिंग को CHNG, ऐसे भी आप कर सकते हो। Whatever you are making, keep on writing it in the keys। अब ये देखकर जा सकते हो आप। ये यूज करने में रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये आप एज इट इज यूज कर सकते हो, इट इज अलाउड। ये आप 100% यूज कर सकते हो, एज इट इज अलाउड है, नो प्रॉब्लम व्हाटएवर, ठीक है ना। ये आपके मॉड्यूल में भी दे रखे हुए हैं। और हाँ, समरी। अब ये समरी बनाना बहुत जबरदस्त है, और ये मैंडेटरी, मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 मार्क के लिए बोलते हैं। इतना बड़ा पैसेज देते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और फिर 2 मार्क के लिए बोलते हैं समरी बनाओ। अब वो बच्चे बेचारे घूम जाते हैं, यार 2 मार्क के लिए अब क्या क्या लिखूं। तो प्लीज जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतना शॉर्ट लिखो। ओनली यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द नोट्स। डू नॉट एड और सब्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। डू नॉट मेक एनी अजम्पशंस। यूज शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस एज अपोज टू डिटेल एंड लॉन्ग वंस। अवॉइड साउंडिंग रिपीटेटिव। डोंट रिपीट एनी वर्ड और एनी सेंटेंस। Try to cover maximum points. Try to cover, mandatory नहीं है। अगर 2 पेज का पैरा दिया है तो आपका समरी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। And reach the conclusion if required. Note making के लिए read the following passage and make a suitable note. अब इतने शॉर्ट आएंगे नहीं। आपको क्या होगा, बेसिकली वही जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया है उसमें एक आखिरी 2 मार्क का क्वेश्चन बोल देंगे, इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ऐसा आपको बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विन, फिर ABC। देखो आपने कितना अच्छे से इसने किया है। और ये ऐसा भी अलाउड है, जरूरी नहीं आपको 3 इसमें जाना है, ये भी अलाउड है, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स के लिए आता है। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है, आपने देखा, फिर ये 3 इसमें ज्यादा है। देखो ये 1, ये 2nd लेयर, ये 3rd लेयर, ये 4th लेयर में भी चला गया। एंड एट द सेम टाइम उसने यहाँ पर कीज भी बनाकर डाल दी। देखो कितने अच्छे कीज बनाए। अच्छा, गलती से यहाँ पर आपने शॉर्ट फॉर्म रखा और यहाँ पे कीज नहीं बनाई, वो मत करना। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रखा और यहाँ पे कीज बनाई, की में नहीं डाला, ये मत करना। दोनों जगह पे याद से रखना, ओके। और देखो समरी भी बना दिया था शॉर्ट में। सो ये था नोट मेकिंग। इसके भी आप प्रैक्टिस कर लेना 1-2, और आपने वैसे किया ही होगा राइटिंग प्रैक्टिस में इसको। एंड भी लिख देते हो, हाँ लिख सकते हो बेटा, की में लिखना ही बेटर है क्रिश। It's always better to give more information than not giving information. This is what I believe. ठीक है, तो ये सारे हैं, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैंने दे रखे हैं, आप इसमें से लिखकर एक अपना आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा नोट मेकिंग। अब इसके बाद का जो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 सेकेंड। इसके बाद हम लोग फटाफट देख लेते हैं आगे के चैप्टर्स। अब आगे के चैप्टर्स इट विल बी बेटर कि हम ICAI के मॉड्यूल में से देख लेते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग, आगे है इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग। इसके अंदर आपको काम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें मुझे कुछ काम का नजर नहीं आ रहा है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग में मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ काम का नजर नहीं आ रहा है। अगला चैप्टर देखने दो, हाँ, प्रिसिस राइटिंग, ये देख लेते हैं, बिकॉज प्रिसिस राइटिंग आपको करना ही है, ठीक है। ये देखो प्रिसिस राइटिंग। अब प्रिसिस और समरी का डिफरेंस भी यहां देख लो। यहां बोला है दैट समरी इज लूजली रेफर्स टू द प्रिसिस, हाउएवर देयर आर subtle differences between them. The first and the most important difference that precis is a brief piece of writing such as report, article or a chapter from a book, whereas summary is a short account of longer piece of work jaise thesis and novel. Secondly, the precis follows the order of and proportion of the material in the original, whereas writer of the summary is free to change the order and proportion with his own dimag. Another important difference between the two is that precis states only the thought of the original text, whereas the writer of the summary is free to interpret the material and comment on the original text. तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा स्किल इन्वॉल्व है समरी में। precis is just short hand में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया is what precis, कि भाई जो लिखा है उसी को मैं शॉर्ट में बता दिया। समरी में जो लिखा है उसको आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। So precis will carry on the information, but summary is going to explain the information as well. ये एक बहुत बड़ा difference इसमें है। फिर उसके बाद precis writing के steps भी आप देख लो। Read the passage carefully, decide the facts and text that are essential, select a suitable title, collect all key information, first draft of the precis, then main thought और idea को आप present करेंगे, उसको रीड्राफ्ट करेंगे एग्जाम में। हालांकि आपके पास एक ही ड्राफ्ट का ऑप्शन है, मल्टीपल ड्राफ्ट्स में नहीं जाने वाले, एक ही ड्राफ्ट में आपको इसको फाइनल करना होगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। प्रीसिस इज डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज अगर 12 लाइंस का है तो आपका प्रीसिस कितने लाइन का होना चाहिए? बोलो 4 लाइंस का, दैट्स ऑल, 1/3 होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया, ओमिट अननेसेसरी डिटेल। आप अननेसेसरी डिटेल यहाँ छोड़ सकते हो। समरी में मैंने आपको कहा था कि पूरे डिटेल छोड़ के मत जाओ, कवर एज मेनी एज पॉसिबल। प्रीसिस में नहीं, अननेसेसरी लग रहा है ना, छोड़ दो। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन फ्रॉम द प्रीसिस। एवरी प्रीसिस शुड हैव शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल, इट शुड बी रिटन इन वर्ड्स ऑफ द प्रीसिस राइटर। मेन आइडियाज ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर। जो चीज जिस ऑर्डर में मेन पैसेज में, उसी ऑर्डर में प्रीसिस में होगी। Do not introduce your own ideas. Do not criticize or change author's idea. Just ऐसा समझ लो आप newspaper, sorry आप news reporter हो, as it is report देना है। अपने ideas और criticism उसमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके भी आपको देखो कुछ example सामने है। ये precis आपको लिखने बोला गया है, हमने identify किया important point और आगे draft कर दिया। इतना छोटा देखो, इतने बड़े passage का इतना छोटा 1/3। अभी देखो उसने भी किया ही होगा, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका होना चाहिए था 3 लाइन का, तो चलो 3 लाइन के ऊपर 3.5 लाइन का हो गया। बट मोर और लेस ही हैज मेंटेन दैट 1/3 वाला प्रपोर्शन। सो दिस यू कैन डू नाउ। प्रीसिस राइटिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रीसिस राइटिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर है आपके पास आर्टिकल राइटिंग, ये तो मैंडेटरीली आता ही है। आर्टिकल राइटिंग तो मैंडेटरीली आता ही है। अब सर आर्टिकल राइटिंग में बच्चे बोलेंगे सर अब मॉड्यूल दिखा के कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आर्टिकल राइटिंग इज एंटायरली आवर ओन। मतलब ये अब आपको पूरा का पूरा खुद से पढ़ना है। नो वन कैन जज एज टू वॉट आर्टिकल विल बी कमिंग इन द एग्जाम। Be ready with some basic details or facts and figures with respect to normal general points पे, जैसे कोविड और ये सारी चीजों पे आप अभी प्रिपेयर्ड रह सकते हो। कभी कभी बहुत इजी वाला भी पूछा जाता है, कभी कभी थोड़े ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर आपके पास जैसे वो इरिगेशन के ऊपर पूछ लिया, रिवर्स के ऊपर पूछ लिया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूछ लिया। कभी कभी ईजी होता है जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट है, वो बड़ा ईजी हो जाता है। वहां पे आपको फिर लिखने में ऐसा लगता है कि सर मैं कितना लिखूं, ऐसा कंट्रोल नहीं होता, आपसे इमोशनल हो जाते हैं आप कि भाई सर आप तो बस आप रोकना मत मुझे, मैं लिखूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कलर ग्रीन, कॉर्पोरेट कंसर्न्स और फैशन स्टेटमेंट। अब ये इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है कि अब बच्चों को समझेगा नहीं कि इसमें लिखना क्या है। क्या ये कॉर्पोरेट कंसर्न्स और फैशन स्टेटमेंट, तो सर ये ग्रीन की बात कर रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, बताओ किसकी बात कर रहा है, किस चीज के ऊपर ये लिखोगे आप? ये जो ग्रीन की बात कर रहा है किस चीज के ऊपर आप लिखोगे इसके अंदर, बताओ? फॉरेस्ट और सर यहाँ पर आपको कंपनी के ऊपर बोला गया है तो ग्रीन आप यूज करेंगे। आजकल कंपनीज जब ईमेल करती है ना तो उसके नीचे लिखते हैं डू नॉट टेक अ प्रिंट आउट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो ये कंपनी स्टाइल मारने के लिए कर रही है, फैशन स्टेटमेंट है, या उनको सच में कॉर्पोरेट कंसेंस है कि नहीं नहीं अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हम बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं। सो अब देखो उस पर उन्होंने गांव भर के यहाँ पर जो रेफरेंस दिए है, एनी स्टूडेंट कैन नॉट प्रैक्टिकली रिमेंबर ऑल दिस रेफरेंसेस एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड कि आप मन से कोई रैंडम रेफरेंस दो जो लॉजिकली सच ना हो या आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो। सो ऐसे केस में थिंग्स गेट अ बिट डिफिकल्ट, देन आपको थोड़ा जनरलाइज आंसर्स देने पड़ेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ टैटूज, नाउ दिस इज समथिंग यहाँ पर भी अब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं होंगे बट आपके मन में इमेजिनेशन में आप करके दे सकते हो कि व्हाट पॉजिटिव कैन हैपन, व्हाट नेगेटिव कैन हैपन। तो नहीं लिखने, फॉल्स फैक्ट्स नहीं लिखने। गूगल करना बेटा एग्जाम में इफ यू डोंट नो अलाउड नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई दैट आउट एट एग्जाम सेंटर। पता चला गूगल कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए, डोंट डू दैट, है ना, मतलब अगले दिन आपका गूगल पे न्यूज आ जाएगा। जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड, ऐसी चीजों पे आप चलो लिख सकते हो कि आज के डेट में जीनियस इज नॉट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन जेंडर। देन करंट राइज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स, अब यहाँ पर ना आपके पास फैक्ट्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट फैक्ट्स यू कांट कम अप हियर एंड से दैट ये हुआ था, इसका इतना मिलियन, इतना ट्रिलियन, इतने जॉब्स, इतना ये, इतना वो, इतने परसेंट वुमेन। ये किसको पता है? ये मैं अभी पढ़ा है, मैंने ये 2 बार पढ़ा है, मेरे को भी याद नहीं कितना परसेंट किसका है। सो एग्जाम में डोंट बी अफ्रेड, आपको जो आता है वो लिखो। डोंट थिंक अबाउट कि अरे सर मुझे तो याद ही नहीं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, डोंट राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना। हाँ, अपने मन से जो आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, नाउ दिस इज समथिंग आप लोग यहाँ भावनाओं में बह जाते हो, इधर आपको रोक पाना जरा नामुमकिन हो जाता है। तो ये भी देखो कि कितने वर्ड्स में लिखने बोला है। सर उसने बोला रहता है इन 250 वर्ड्स और लेस, इन 350 वर्ड्स और लेस, बट सर एग्जाम में क्या काउंट करते बैठना है 250 वर्ड्स और लेस? नहीं, आपको एग्जाम में काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर लाइन काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करना है। एंड यू हैव टू एंश्योर कि ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 250 अगर बोला है तो 260 के ऊपर जाए। 10 मार्क, 10 एक वर्ड एक्स्ट्रा दे दो ना गरीब को। 10 एक वर्ड एक्स्ट्रा दे दो गरीब को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको काउंट करना है, ऐसा ना देखो 200 250 मतलब 250 बोला है ना तो 250 240 280 तक ठीक है, 350 400 3 पेज हो गए, लिखी रहे रुक ही नहीं रहे आदमी। नहीं बोले आज तो मैं सोशल मीडिया का पूरा बता दूंगा, आप पढ़ो बस। तो बेटा वहां पे इतना भी हाँ 200 250 इज द गुड रेंज, यस। हाँ 260 बराबर, उससे आप उसके ऊपर ना आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, आप उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। सो बहुत सारे पैसेजेस यहाँ पे दिए, आप इसको पढ़ के जा सकते हो, आपको एक आइडिया आएगी कि आपको कैसे इसको आंसर करना है, कैसे पैसेज लिखना है। अल्टीमेटली आपके राइटिंग स्किल्स पे अब टोटली डिपेंड करता है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग अ टीचर कैन गिव, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। फिर आती है रिपोर्ट राइटिंग। सर रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में आती है क्या? यस, पॉसिबल है रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम में आना। रिपोर्ट में होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑफिशियल रिपोर्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। में न्यूज़पेपर और मैगजीन तो नहीं आता, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है ना, ये हो रहा है, न्यूज़पेपर जैसे ये सारी इवेंट्स आते हैं। और ये न्यूज़पेपर का नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आपको न्यूज़पेपर में नहीं बता रहा, उसके पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लो। दिस आर पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप एक बार देख लो। पर्सनल ओपिनियन, परसेप्शन, इमोशंस मत डालिए, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखिए। पर्सनल प्रोनाउन इन फर्स्ट पर्सन आर जनरली नॉट यूज्ड। पैसिव वॉइस इज प्रेफरेबली यूज्ड बिकॉज आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच में करना पड़ेगा। पास्ट टेंस इज यूज्ड, लैंग्वेज शुड बी क्लियर। जार्गन आपको यूज करना है। देखो अगर टेक्निकल जार्गन की बात करो तो पहले तो वो बोलते कि अवॉइड करो बिकॉज सबके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, बट एट द सेम टाइम अपने टारगेट ऑडियंस को भी ध्यान में रखो। अगर आप सीनियर डॉक्टर को कोई लेटर लिख रहे हो और आप जार्गन नहीं लिखोगे तो ये बेवकूफी है, बिकॉज सीनियर डॉक्टर इज योर ऑडियंस और उसको जार्गन समझ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वर्ड से अगर आप सीए को लिख रहे हो तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करता। अरे सीए वो उसको समझता है, अपने को समझता है सीए को डेप्रिसिएशन क्या होता है ना। यस बेटा XYZ लिख लेना आप हुआ, और लॉजिकली आप उसको रखेंगे एंड ग्रामेटिकल एरर्स आप उसमें अवॉइड करेंगे। स्टेप्स इन राइटिंग, आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहले अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, देन गैदर सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज कंटेंट, एनालाइज मटेरियल, राइट अ रिपोर्ट, रिव्यू एंड प्रेजेंट। ये न्यूज़पेपर के रिपोर्ट है, हालांकि इसका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ये नहीं है। मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का भी चांसेस आर वेरी लेस। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में यूजुअली आपसे बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, क्वार्टर के रिपोर्ट्स, ये सब लिखे जाते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का क्या हुआ, ये सारे डिटेल्स आपको मन से सोच के रखने पड़ेंगे। ये वाला ये पढ़ के जाना, ये जो सैंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, ये एक बार देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। चांसेस आर लेस बट स्टिल आपको अगर आ जाता है तो कुछ तो लिखते आना चाहिए, इज व्हाट आई वांट। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ नेक्स्ट इस पे। अब ये आता है फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके जानी है। फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके जानी, प्लीज इसको जरा ध्यान से देखो। फॉर्मल लेटर राइटिंग, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर। यूज अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो भी आपको बताने वाला हूं। Leave a line between paras. State your reason for writing in the first para itself. Keep the language as simple as possible. आप किसी को inform करने की कोशिश कर रहे हो. Add details and information. For example, अगर आप letter लिख रहे हो, आपका product या courier कहाँ पर है ये पूछने के लिए, तो courier ID दे दो, date दे दो, कुछ तो detail दो, so that I can search for your courier. अगर आप बोल रहे हो कि सर मैंने आपसे परचेस किया था गुड्स, अभी तक मुझे मिले नहीं, तो परचेस ऑर्डर, इनवॉइस नंबर, कुछ तो आप मुझे दो, सो दैट आई कैन सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट। ओके, इफ यू विश टू मेक रेफरेंस ऑफ प्रीवियस कन्वर्सेशंस, उसका प्रीवियस लेटर डेटेड सो एंड सो, या चेक नंबर सो एंड सो, कोट नंबर सो एंड सो, इनवॉइस नंबर सो एंड सो, ऐसे आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। बी जेंटल एंड कर्टियस, बी पोलाइट एंड एंश्योर दैट द लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक। इट कैन बी ग्रामेटिकल मिस्टेक और इट कैन बी स्पेलिंग मिस्टेक। हालांकि ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ICAI विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, इट डज नॉट हैपन कि ये मार्क्स काट लिए, ऐसा नहीं होता है ना। चाचा विधायक है हमारे, ऐसा लिखा तो चलेगा ना? नहीं बेटा नहीं चलेगा, वो कुछ नहीं देखते हो। हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी जो आपको अपनी खुद की बनाकर ले जानी है। अगर बनाते नहीं आता तो ऐसा लर्न कर लो ये वाले, ठीक है। सो गाइज एवरीवन, बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, क्योंकि कभी क्या होता है लेटर लिखने बोलते हैं लेकिन आपको फ्रॉम और टू के एड्रेस, नाम, डिटेल कुछ नहीं रहता, तो सेंडर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट आपको याद से लिखनी है। ये फॉर्मेट है बेटा, सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट, फिर डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तो आपका एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। फिर आता है सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस में डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का लेटर लिख रहे हो आप, उस पर आएगा, डिपेंड करेगा, या सर मैम ये सब हो सकता है। अगर आप बहुत ही बड़े आदमी को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर मैम भी आप लिख सकते हो। अगर कोई नॉट सो बड़े है तो आप नॉर्मल सर मैम ये भी लिख सकते हो। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए, पढ़ते मुझे समझ में आना चाहिए क्या है। जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर, क्लियर समझ में आ गया क्या है। कंटेंट, आफ्टर गोइंग थ्रू कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। एक नंबर तरह से उसने बता दिया कि उसको कौन से आइटम चाहिए, एकदम क्लियरली उसने बता दिया उसको कौन से आइटम चाहिए, कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। इसके अलावा उसने कंक्लूड कर दिया, ऑल दिस आइटम शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन इन द कोटेशन, सब स्टैंडर्ड मटेरियल विल बी क्या रिटर्न। फिर उसने बताया था डिलीवरी शुड बी मेड बिफोर सो एंड सो डेट, फेलिंग विच द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड, प्लीज एंश्योर द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट एज एप्लीकेबल एज एग्रीड अपॉन अर्लियर, पेमेंट ऑफ द बिल विल बी मेड बाय चेक इन द फेवर ऑफ द फर्म विद इन 10 days आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर, क्या खरीदना है, कैसा रहेगा, तो हम वापस कर देंगे, कब तक देना है, डिस्काउंट देना है, पैसा कम देने वाला है, सब कुछ। अगर आपने एडवांस चेक दिया तो बोलो कि एडवांस चेक आपको ये वाला दिया था, बैलेंस का चेक हम 10 days आफ्टर ये देंगे, या आप कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। देन पीपल फॉरगेट दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली सिंसियरली, इसको करना मत भूलिए। एंड देन सिग्नेचर डेट प्लेस, सिग्नेचर डेट प्लेस, तो यहाँ पे रोहन मैनेजर आपका डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम। सो ये सारी चीजें आपको रखनी है। आपका सेंटर का एड्रेस टॉप पे, डेट इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशंस में आप डियर सर मैम, अगर आपको पता है किसको लेटर लिख रहे हो तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको बताया मैंने एकदम, एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर लाइक दिस। इन कंटेंट में पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन, ये ऑलवेज रिटन इन कंसाइज मैनर, इट शुड क्विकली एंड सिंपली समराइज द पॉइंट दैट यू वांट टू फोकस ऑन। बॉडी में आप एकदम डिटेल प्रोवाइड करोगे। फिर आता है कंक्लूजन, इसमें आप उनसे क्या चाहते हो, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैन बी योर्स रिस्पेक्ट, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, विल एप्रिसिएशन, विद सिंसियर एप्रिसिएशन, सिंसियर थैंकफुल भी आप यूज कर सकते हो, एंड देन योर सिग्नेचर नेम डेट प्लेस हो। ऑफिशियल लेटर कैन बी लेटर ऑफ इंक्वायरी, कि भाई हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है, आपके पास अवेलेबल है क्या, उसके एग्जाम्पल भी आपके सामने देखो। एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बॉडी में इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड देन मेन जो है सब कुछ आपने यहाँ पे बताया। देन यहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया और आपने अपना नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी की डिटेल्स। तो ये आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है। फिर हो सकते हैं ऑफ ऑर्डर लेटर्स, कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, जो अभी हमने एक पूरा का पूरा ऑर्डर लेटर देखा, ये तो हमने जस्ट अभी देखा, तो ऑर्डर लेटर दोबारा नहीं देखेंगे। लेटर ऑफ कंप्लेंट हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट में क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दो, इंपॉर्टेंट डेट इंक्लूड करो, एक्शन दैट हैव बीन टेकन, व्हाट इज योर प्लान, आस्क फॉर रिस्पॉन्स एंड अटैच अ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका एग्जाम में इससे कोई है नहीं ज्यादा। कंप्लेंट लेटर इस तरह से नजर आएंगे आपको। रिप्लाई टू अ कंप्लेंट लेटर, एड्रेस क्लियरली एंड स्पेसिफिकली द प्रॉब्लम्स दैट इज फेस्ड बाय द कस्टमर, acknowledge and apologize for the error that you have done, explain customer exactly what your plan are for resolving the problems and assure the customer that this will never ever happen again. ये सारी चीजें आपको रिप्लाई में देना है। सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह दे दिया, डेट दे दिया, किसको भेज रहे हो उसके डिटेल्स दे दिए, सैल्यूटेशंस दे दिया, सब्जेक्ट बताया कि रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बॉडी में इंट्रोडक्शन, फिर आपने उसको बता दिया आपके रिजोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू, यू आर सिंसियरली आपने कर दिया, अपने डिटेल्स देकर लेटर क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर ये भी एग्जाम में कंप्लेंट आ सकती है। प्रमोशन लेटर आपको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नन। सेल लेटर ये एक आ सकता है, ये भी देख लेना, है ना। यहाँ पर यूज फॉर्मल लैंग्वेज, formal salutation must be used, content should be specific, extra detail should not be given, personal comment should not be given, keep things short and crisp. For new product launch, mention its features and benefits and pay attention to target audience always. ठीक है, इसका भी आप एग्जाम्पल एक देख सकते हो। रिकवरी लेटर चांसेस आर नन। पेंडिंग ड्यूज आईकर देख के चले जाना, पेंडिंग ड्यूज, ठीक है, that's it. इसमें और इससे ज्यादा हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। लेटर राइटिंग में वही जो 2-3 मैंने बोला वही आते हैं यूजुअली। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये भी 1-2 बार पूछे गए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये भी लेटर जैसा होता है, वैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में सर्कुलर्स आते हैं। सर्कुलर्स मतलब जो आप इन्फॉर्म करना चाहते हो अपने विद इन ऑफिस। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। सर्कुलर लेटर का एक बार आप फॉर्मेट देख लो। डेट राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे, सर्कुलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और टाइटल लिखेंगे कि सर्कुलर किस चीज के बारे में। टाइटल शुड बी एज क्रिस्प एंड शॉर्ट एज पॉसिबल। ऑलवेज इन्फॉर्म ये सर्कुलर किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन आवर कंपनी, ऑल HR इन आवर कंपनी, ऑल द प्रोडक्शन या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, ऑल द एम्प्लॉइज या ओनली एम्प्लॉइज ऑफ पुणे ब्रांच। प्लीज एंश्योर कि आप किसके लिए सर्कुलर लिख रहे हो, ये एकदम एक्सप्रेसली यहां पर मेंशन करोगे। राइट में डेट, सर्कुलर नंबर, इसको भूलना नहीं है। टाइटल शॉर्ट, किसके लिए किया गया, एकदम शॉर्ट सर्कुलर होना चाहिए। एग्जाम में आता है आपके सर्कुलर बताओ कि भाई क्या आपके ड्रेस कोड अलाउड है, तो उसमें एकदम क्लियर ड्रेस कोड। आप एक ऐसा एग्जाम में आया भी था कि भाई ये अलाउड है, ये पहनना अलाउड है, ये पहनना अलाउड नहीं है। है ना, या टाइमिंग के लिए सर्कुलर आए कि लेट आए तो पेनल्टी लगेगी। तो ये से ये आपका टाइम रहेगा, टाइम के बाद 5 मिनट तक हम 15 मिनट का हम विंडो देते हैं कूलिंग पीरियड। 15 मिनट के बाद, टाइम के 15 मिनट के बाद कोई आ रहा है तो उसको पेनल्टी लगती है। फर्स्ट 2 बार में पेनल्टी नहीं वार्निंग आती है, थर्ड टाइम में आपका वो हाफ डे लग जाता है। अगर रिपीटेटिव हो रहा है, मंथ में 4 बार ऐसा हो गया है तो आपको एडिशनल पेनल्टी लगेगी। ये सारी चीजें आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन करेंगे। थोड़ा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप थोड़ा इमेजिनेटिव हो जाते हो सो आप क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ता है। फिर मेमोज हो सकता है, मेमोज एग्जाम में आई डोंट नो वेदर, आप देख लो एक सैंपल चाहिए तो। मेमो में आपने कंपनी का नाम और इंटर ऑफिस मेमो या आपने लिख दिया, मेमो का डेट किसके लिए है तो ऑफिस मैनेजर के लिए, किसने भेजा है, रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एज इज डिजायर्ड, या आप ऑफिस फर्नीचर ले लेंगे, ठीक है। अप्रेजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉइज अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द सेम ऑफिस। यहाँ पर आपने फिर से कैशियर का डिसमिसल, आप सबको बता रहे हो कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा आप डिसमिस कर दिया गया है तो इसके साथ ट्रांजैक्शन आप ना करें। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर हम आते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फॉर्मल ईमेल्स पॉसिबिलिटी तो है। बस हो गया बेटा, खत्म हो गया, बस खलास। फॉर्मल ईमेल्स, ईमेल लिखते वक्त भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, टू मतलब फ्रॉम मतलब सेंडर, टू मतलब रिसीवर, सीसी मतलब कि ये मेल किस किस को कार्बन कॉपी के तरफ जा रहा है, मतलब किस किस को ये पता, सीसी में रखना मतलब कि इनको भी पता है, ये लोग लूप में है। What is BCC? BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। BCC में आप जिसका भी नाम लिखते हो उसको नहीं पता चलता कि ये किस किस को ये कॉपी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने BCC में लिख दिया सोफिया, शेख तबरेज, अजय, रितिका, योगेश, सुमित, निधि, हर्ष, मिस जैन, दुशांत, सुंदरी, हर्षित। अब इन लोगों को आपस में नहीं पता होगा कि मैंने किस किस को ईमेल भेजा, इन सबको वहां पर टू में लिख के आएगा उनका अपना अपना नाम, इन सबको टू में लिख के आएगा अपना अपना नाम। इन लोग को ये नहीं पता रहेगा, हर्षित को नहीं पता रहेगा कि मैंने क्रिश को भी मेल भेजा है, मिस जैन को नहीं पता रहेगा कि सुमित को भी मेल भेजा है, सुमित को नहीं पता रहेगा कि सुंदरी को भी मेल गया है, किसी को आपस में पता नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी। सर ये कब यूज करने का? व्हेन यू वांट टू व्हेन यू वांट समवन टू बी इन द लूप बट यू डोंट वांट अदर्स टू नो कि ये समवन इन द लूप है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टर को बीसीसी में रख देगा, सो एम्प्लॉय को नहीं पता कि डायरेक्टर भी ये मेल में देख रहा है, और एम्प्लॉय अपने नॉर्मल काम की तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगा। डायरेक्टर विल नोटिस कि एम्प्लॉय अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, यू नेवर नो कि कौन छुप के ये चीज देख रहा है। फिर होता है सब्जेक्ट, जैसे आप लेटर में रखते हो उसी तरह का आप यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे, द रीजन बिहाइंड राइटिंग द मेल। सैल्यूटेशंस, यहाँ पर भी लेटर में भी, लेटर क्या है फिजिकल है, ईमेल क्या है वर्चुअल मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन चीजें तो अल्टीमेटली सेम रहेगी। तो वहां पे एड्रेस होता है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सैल्यूटेशंस आएगा, मेन बॉडी, फिर क्लोजिंग, फिर अटैचमेंट्स देयर इज इफ एनी, एंड देन सिग्नेचर लाइन। ये आपको मेंटेन रखना है, ओके। सैल्यूटेशंस की एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, डियर मिस जेम्स, हाय मिस्टर स्मिथ, डियर ऑल। बॉडी में आप ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ के जाइएगा, एक हाथ लेटर देख लेता है डायरेक्टली, ईमेल यानी, ठीक है। ये इनकरेक्ट वर्जन है, रुक जाओ, यहाँ पे सब डिटेल्स दिया है, मैं आपको डायरेक्टली, हाँ एक आधा लेटर ही दिखा देता हूँ। ये देखो, टू में आपने रखा अमित सूरी, सीसीबीसीसी आप रख सकते हो किसी को आपको चाहिए तो, मैंडेटरी नहीं। सब्जेक्ट में कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, हाय अमित, एंश्योर की सेम नाम ले रहे हो आप, डियर अमित भी लिख सकते थे, आई जस्ट गॉट टू हियर ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन रिवॉर्डेड, यू श्योरली डिजर्व द रिकॉग्निशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पोजीशन, ऑल टीम मेंबर्स आर इलेटेड दैट यू हैव बीन इलेक्टेड एज आवर selected from our team, ठीक है। We are surely looking forward to party for you at your earliest convenience. रिगार्ड्स सुमित चौधरी टीम मेंबर। एकदम सिंपल, एकदम जबरदस्त। करेक्ट। हाय क्रिश। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नवंबर के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। आदित्य शर्मा, 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, आगे के चैप्टर में अभी स्टार्ट करने वाला हूं। अभी मिशन सक्सेस बैच में भी मैं आ रहा हूं, उसमें भी कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं, आप उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये भी एक लेटर है, लेटर का आप 1-2 देख कर जाना, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ईमेल मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। और प्लीज उसमें 2 बीसीसी और सीसी सब्जेक्ट ये सब लिखना मत भूलना। फ्रॉम से स्टार्ट होता है। ओके, अब आता है सबसे डेंजर जो आता है अगर एग्जाम में, तो बच्चे बेचारे डर जाते हैं, वह रिज्यूम राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, रिज्यूम राइटिंग क्या बात है, थैंक यू क्रिश। ये जब आता है एग्जाम में तो बच्चों को समझ नहीं आता कि यार इतने कम टाइम में इसको कैसे लिखे, इतने कम टाइम में इसको हम कैसे लिखे। और एक बहुत अच्छी कंसेप्ट अब आपके इसमें ऐड की गई, वो स्वॉट मैट्रिक्स। SWOT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब ये कभी फुर्सत में हम लोग इस पे बहुत बात करेंगे। मैंने बहुत बार आपको बताया है, स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट यू आर गुड एट, ठीक है। वीकनेस इज समथिंग यू आर नॉट एट दैट गुड एट। अपॉर्चुनिटीज आर समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स आर समथिंग विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वीकनेस अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया तो। सो ये है SWOT एनालिसिस, ठीक है। सो SWOT एनालिसिस आप करते कि वो आप हर एक चीज आपको स्ट्रेंथ पे लेकर आनी है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ, देयर आर वीकनेसेस विच यू डोंट वांट टू कन्वर्ट इनटू वीक, देयर आर यू नो थ्रेट्स विच यू डोंट वांट टू गेट कन्वर्ट इनटू वीकनेस। एट द सेम टाइम यू वांट देम टू बिकम योर अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली स्ट्रेंथ। एंड वीकनेसेस को आपको कन्वर्ट करना होता है थ्रेट में, थ्रेट से अपॉर्चुनिटी में, एंड अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी से स्ट्रेंथ पे। तो ये ऐसा साइकिल जाता है जो स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ से, एंड होता है वीकनेस से। आपको हर चीज वीकनेस से लेकर आनी होती है स्ट्रेंथ पे, ठीक है। सो नाउ रिज्यूम। अब रिज्यूम के बारे में तो इतनी सारी बातें बतानी है आपको, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एक सैंपल से। उसमें मेरे को जितनी चीजें याद आती है वैसे आएगी। सबसे पहले रिज्यूम के सेंटर में आप लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी देंगे। फिर आप बताएंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके लाइफ में। समरी देंगे अबाउट योरसेल्फ। फिर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक्सपीरियंस शुड ऑलवेज बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बोलते ना कि लेटेस्ट वाला आपका फर्स्ट रहेगा और जो सबसे पुराना था वो नीचे नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, 2004 से प्रेजेंट तक किया, इसके 2004 से पहले की चीज उसने उसके बाद में बताई होगी। 2004 के पहले की चीज उसने अपने बाद में बताई। फॉर एग्जांपल 2001 से 2004 तक वो क्या कर रहा था। एजुकेशन भी सेम, एकदम लेटेस्ट वाला फर्स्ट। 2004 में वो CA फाइनल क्लियर हुआ, 2001 में इंटर, देखो 3 साल लगे। 98 में CPT, तो उसको वहां पर भी टाइम लगा। 2000 में बीकॉम, 97 में 12th। यहां पर देखो कितना अच्छे से 12th और बीकॉम के बीच में 3 साल का गैप देख रहे हो। 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप। ये प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है और इसी ऑर्डर में आपको उसको देना है। 10th, 12th, देन यू नो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड लाइकवाइज। स्किल्स ये याद कर लो, हर जगह पे लिख देने का। MS ऑफिस, अब टैली हर जगह नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि सर टैली अगर अकाउंट्स का जॉब है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला टैली क्यों बोलेगा, तो उसकी जगह कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला कोई सॉफ्टवेयर बोल देने का, ठीक है। फिर आप ऐसे और एक्स्ट्रा एक्सेल के बारे में बोल सकते हो, दैट आई हैव डन अ स्मॉल कोर्स ऑन एक्सेल एंड ऑल, आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं आपके पर्सनल डिटेल्स, उसमें आता है डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन एंड परमानेंट एड्रेस। देन DDPS, इसको लास्ट में बच्चे भूल जाते हैं। डेक्लेरेशन, डेट, प्लेस, साइन। क्या है? DDPS, डेक्लेरेशन, डेट, प्लेस और साइन। डेक्लेरेशन बच्चे भूल जाते हैं, वो आप प्लीज रिज्यूम में अगर आप डेक्लेरेशन नहीं दोगे तो हाउ विल अ पर्सन अज्यूम कि सब कुछ सही बताया रहे आप या नहीं बता रहे हो। सो डेक्लेरेशन, डेट, प्लेस एंड देन साइन, साइन यहाँ पर आएगा, बाकी सब एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। ये एक फंक्शनल फॉर्मेट भी है, फिर से देखो नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। करियर ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, फिर आता है एजुकेशन, अचीवमेंट, रेफरेंस, ये रेफरेंस आता है यहाँ पर, एंड देन DDPS कॉम्बिनेशन, फिर से वही नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, करियर ऑब्जेक्टिव, समरी, क्वालिफिकेशंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है एजुकेशन, बट आपको इतने डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे, आपको बेसिकली छोटे छोटे ईमेल लिखने बोलते हैं, छोटे छोटे रिज्यूम लिखने बोलते हैं। यस, सही सही क्रिश, सही लिखा, डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आपको एक आता मैं कवर लेटर भी दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत सी बार कवर लेटर भी देखना होता है, मतलब आपके क्वेश्चन में लिखा होता है कि अलॉन्ग विथ कवर लेटर बताओ, अलॉन्ग विथ कवर लेटर बताओ, तो ऐसे केस में पहले हम बनाएंगे कवर लेटर। कवर लेटर में फिर जस्ट लाइक आप अपना एड्रेस देंगे, डेट, किसको आप ये भेज रहे हो, फिर जैसे हम लेटर राइटिंग में करते हैं ना वैसा, देन उसके बाद आप उनको देंगे सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द बॉडी। प्लीज एंश्योर कि यहां पर आप वही चीज बताओ जो एकदम स्पेसिफिकली आप पजेस करते हो विद रिस्पेक्ट टू जॉब। सिर्फ एग्जाम्पल, मेरे पास अकाउंट एक्सपर्ट की जगह खाली है, तो आप मेरे को अपने क्वालिफिकेशन दोबारा मत बताओ, क्वालिफिकेशन तो आप रिज्यूम में बता रहे हो ना, क्वालिफिकेशन में आपका रिज्यूम में देख रहा हूं, मुझे बताओ कि आपके क्वालिफिकेशन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मेरे रिक्वायरमेंट पे एकदम सेट फिट होता है। सो डोंट रिपीट द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द रिज्यूम, रैदर ब्रिज द इंफॉर्मेशन इन द रिज्यूम विद द ओपनिंग इन द ऑफिस, कि भाई आपके ऑफिस में अकाउंटिंग टेक्नीशियन की जरूरत है, मेरे रिज्यूम में मैंने आपको क्लियरली बताया कि मैंने इतने साल का अकाउंटिंग टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस है, या मैंने अकाउंटिंग टेक्नीशियन का एक एक्स्ट्रा कोर्स किया है जो आपके इसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। सो वी डोंट हैव टू अगेन रीट्रेट व्हाट वी हैव, वी जस्ट वांट टू हाईलाइट कि सर हमारे पास ये है जो आपके रिक्वायरमेंट पे परफेक्ट सेट होता है, इसको बोलते हैं आइडियल कवर लेटर। कवर लेटर ऐसा होना चाहिए ना कि वो बंदा आपका अटैचमेंट डाउनलोड करके रिज्यूम पढ़े। कवर लेटर क्या होता है, यूजुअली ये फेस होता है, इसको पढ़ के वो बंदा डिसाइड करता है कि आपका अंदर रिज्यूम उसने देखना है या नहीं देखना है। कवर लेटर में उसको पता चलता है अकाउंटिंग टेक्नीशियन का है, अगर उसके पास अकाउंटिंग टेक्नीशियन का जॉब अब नहीं है, मतलब उसने अगर किसी को हायर कर लिया है, तो वो उसको ओपन नहीं करेगा, ओपन ही नहीं करेगा इसको कि भाई हमारे पास ये जगह है ही नहीं, भर गया हमने, ये पढ़ेगा भी नहीं, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके भी होप्स नहीं आएंगे, डायरेक्टली आपको मेल कर देगा सॉरी दिस पोजीशन हैज बीन ऑलरेडी फिल्ड। सो इसलिए कवर लेटर बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सैल्यूट, मतलब आप उसको क्लोज कर देंगे विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स। फिर एक PS करके मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है अटैच्ड या एनक्लोज्ड, एनक्लोजर लिखना होता है और उसमें लिखना होता है रिज्यूम। कवर लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एनक्लोजर, ठीक है, एनक्लोजर रिज्यूम। अगर आप वही नहीं लिखोगे तो बंदे को पता कैसे चलेगा आपने अपना रिज्यूम वहां पे डाला है, ठीक है। तो आपको एनक्लोजर रिज्यूम, देखो यहाँ पे डाला है टेस्टिमोनियल्स एंड रिज्यूम, ऑलवेज ऑलवेज होना चाहिए। फिर जिस पेज पे कवर लेटर लिखा उसको छोड़ के नेक्स्ट पेज पे आप अपना रिज्यूम स्टार्ट करेंगे। देन अगेन रिज्यूम तो आपने पहले काफी बनाए हुए हैं, आपके बेसिक डिटेल्स, फिर अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, हॉबीज, लैंग्वेजेस, प्रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता दो। एंड देन इसने एंड नहीं किया, लेकिन आप DDPS यहाँ पे भी करोगे, DDPS यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। सो दिस इज द, बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा है, बेटा डिपेंड करता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी यू नो डिपेंड्स। ओके, तो ये आपका रहेगा। एक बात तो फिक्स है, अगर रिज्यूम आता है कितने मार्क के लिए आता है ये भी देखो, अगर ज्यादा मार्क के लिए रिज्यूम बोला है तो आपको कवर लेटर बनाना एक लॉजिकली सही है। कभी कभी डायरेक्टली बोला होता है रिज्यूम विद कवर लेटर बनाओ, तो आपको बनाना ही, फिर तो आपके पास ऑप्शन है नहीं। बट अगर ज्यादा मार्क के लिए रिज्यूम आ रहा है ना, जैसे 6-8 मार्क के लिए अगर आ जा रहा है, तो कवर लेटर बना देना, 4 मार्क के लिए आ रहा है और ओनली रिज्यूम बोला है, सिर्फ रिज्यूम बनाना, कवर लेटर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिज्यूम बनाने में टाइम लगता है। अब रिज्यूम के लिए मैं आपको कुछ चीजें रिक्वेस्ट करता हूं, बी रेडी विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको रिज्यूम के एकदम स्टार्ट से बताता हूं, मैं कवर लेटर के आपको एकदम स्टार्ट से बताता हूं। हर एक स्टूडेंट के पास एक एड्रेसेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फेक नंबर्स, हाँ फेक एक्स, बीच में 3-4 एक्स डाल देना, आगे पीछे नंबर डाल के रेडी रहने चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स आपके रेडी रहने चाहिए, 2-4 अलग अलग अकाउंट्स का, एक सॉफ्टवेयर का, एक यूजुअली अकाउंट्स का आपको बोलेंगे। आपके पास वर्क एक्स रेडी रहना चाहिए एटलीस्ट यहां पर, और आपके पास आपके डिग्री जो भी आपने, जो भी आपका पढ़ाई हुआ है उसके रेडी रहने चाहिए डिटेल्स। रेडी रहना है ना, रेडी लिटरली ईयर बाय ईयर आपका रेडी रहना चाहिए। 10 के बाद 2 साल बाद 12वीं, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स, ऐसा पूरा आपके ईयर के साथ डाला हुआ रहना चाहिए। पूरा रेडी रखो ताकि एग्जाम में सिर्फ छापने का काम करो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस सोचने में टाइम जाता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, हॉबीज, ये सब अभी से आप लेके जाओ फिक्स। हर जगह एक ही हॉबी लिखने का, हर जगह एक ही स्किल लिखने का, हर जगह एक ही चीज, ताकि एग्जाम में ये सब सोचने में आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, फिर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स भी रेडी रखो कि भाई इस रेफरेंसेस रेडी रखो, रेफरेंस के 1-2-4 नाम, ऐसी पोस्ट बाद में डाल देने का, नाम सेम रखने का, सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर का नाम डालने का, अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग का नाम डालने का, लेकिन उन लोगों के नाम, मोबाइल नंबर रेडी रखो। रेफरेंस भी अगर किसी का दे रहे हो तो पूरा ऐसा मतलब उसको रेफरेंस को कांटेक्ट करने का भी जरिया दो, उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दो रेफरेंस देते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, क्वालिफिकेशन आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स और स्किल्स भी आपके पास पहले से रेडी रटे हुए सेम है ना, एकदम सेम होने चाहिए। एक इसका तो रखो ही रखो, आप अपने कॉमर्स फील्ड का तो सब रखो ही। ये देखो कितना टाइम जाता है वरना एग्जाम में बनाने में, है ना। हाँ हाँ फिक्स रखो, वेरी गुड। पर्सनल डिटेल मैच होने चाहिए दोस्त, जैसे अब देखो इतना डिटेल चेक करते हैं क्या, वो तो इंस्टीट्यूट को ही पता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक बार एक रिज्यूम लिया, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखा था 2000, जैसे यहाँ पे लिखा है 2000, और वो बंदा बोलता है कि उसने 12th क्लियर किया 2012 में। ना यू टेल मी, क्या 2012 में बंदा 12th क्लियर कर सकता है अगर वो 2000 में पैदा हुआ है? क्या वो 12th क्लियर कर सकता है? सो प्लीज इसका भी थोड़ा ख्याल रखो, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखो। ठीक है, एंड बाकी तो ये लैंग्वेजेस आप टाइम पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इतना ये नहीं है। डीडीपीएस ये भी लाइन रेडी रखो। ठीक है, सो इतना अगर आप रेडी रखेंगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा रिज्यूम राइटिंग में भी, बिकॉज यू विल बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। मतलब पहले से प्रिपेयर रहना इज ऑलवेज बेटर। फिर मीटिंग्स के भी मिनट्स आपको आते हैं, मैं लास्ट चीज आपको बता दूं, एंड देन आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। मीटिंग में अब 2 टाइप के आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको जाता हूं। एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप इस तरह लिख सकते हो जिसमें आप टेबुलर फॉर्म में बता रहे हो कि कितने बजे क्या हुआ, किसने किया, कितने मिनट किया। ये आप, ये जो है ये आपका एजेंडा, मतलब ये आपका टाइम टेबल है फॉर द मीटिंग, एजेंडा है मीटिंग का कि भाई 9 बजे इंट्रोडक्शन होगा, पार्टिसिपेंट्स के नेम बताए जाएंगे, स्पीकर का नाम बताया जाएगा, 15 मिनट इसमें जाएंगे बराबर। फिर 9:15 से डिस्कशन चालू होगा। ठीक है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, स्पीकर कौन है, कितने मिनट होगा 30, तो 9:45 बजे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर कितने मिनट का 30, तो 10:15 को ये टी ब्रेक होगा 20 मिनट्स का, 10:35 को ये, ऐसे आप एक एजेंडा क्रिएट करके सेंड कर सकते हो, लेकिन इसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। ये आप लिख सकते हो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं आपको डायरेक्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग बता देता हूँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक सेकेंड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मैं आपको बता देता हूं। हाँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, आप एक तो एजेंडा इस तरह से आप बना लेते हो, तो मैंने आपको बताया मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सबसे पहले आप बताएंगे स्पीकर कौन है, क्या किस तरह की इंडस्ट्री है, कौन सा डेट है, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, कौन लोग अटेंडेंस दे रहे हैं, एजेंडा क्या था, फिर मिनट चालू होते हैं कि इसने ये बोला, फिर उसको इसने ये बोला, इसने दूसरा कुछ बोला, इसने ये पॉइंट ऊपर एलैबोरेट किया है ना। और उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, रुको मैं बताता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे चालू किया वोटिंग कि ऑल द पार्टिसिपेंट अप्रूव द प्लान एप्रिशिएटेड इट, फिर चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड ओपन हाउस, कंक्लूजन स्टेटेड दैट प्रपोजल फॉर मोर फंड्स मस्ट बी पुट फॉरवर्ड एंड ये ATR टू बी सबमिटेड। नाउ व्हाट इज ATR, ये भी आपको पूछा जाता है। ATR इज, बताओ किसी को पता है क्या? ATR इज एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये बताना होता है कि व्हाट वाज द, वेदर द एक्शन वाज टेकन और नॉट। अब इसका भी मैं आपको फॉर्मेट दिया होगा उन्होंने, एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने आपको बता कर रखा है। उसमें आपको बताना होता है कि क्या जो आपने मिनट्स में डिसाइड किया वो आपने पूरा किया या नहीं किया। ये देखो इस तरह एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है, उसमें डेट लिखा होता है, उसमें रेफरेंस दिया जाता है कि भाई इस मीटिंग में हमने ये वाली चीजें डिस्कस की थी। द फॉलोइंग हैज बीन यू नो फॉलोइंग एक्शन हैज बीन रिपोर्टेड, क्लाइंट हैज कंपाइल्ड द डिलीवरी, क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर मोर टाइम एंड ऑर्डर हैज बीन रिटेन, अंडरसाइन डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर बिजनेस। इसमें आप सिर्फ इतना बताते हो कि जो हमारा डिसीजन हुआ था वो हमने यहाँ पर कर लिया है, दैट्स ऑल। सो वेदर यू हैव एक्टेड अपॉन द मिनट्स व्हाटएवर वाज डिसाइडेड और नॉट इज टू बी रिपोर्टेड इन द एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक और फॉर्मेट में आप मिनट्स बना सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट, इट इज ऑल्सो अलाउड, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। नाउ गाइज, दिस इज द एंड ऑफ योर एंटायर लॉ एंड BCR। आई होप कि आपको दोबारा जिंदगी में इस एग्जाम के बाद ये कभी पढ़ना ना पड़े। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज हॉल टिकट के प्रिंट निकाल कर रेडी रखिए, अपने दिमाग से टेंशन भी निकाल कर रेडी रखिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम विच यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंशन विल ओनली एंड ओनली इंक्रीज योर ट्रबल, टेंशन विल गिव यू ट्रबल, ओके, टेंशन विल ओनली गिव यू ट्रबल एंड कामनेस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। अब आप डिसाइड करो आपको TT में रहना है या CC में रहना है। टेंशन में रहोगे, ट्रबल्ड रहोगे, काम रहोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, करेक्ट। जो भी पढ़ना था, जो भी रिवाइज करना था, जो भी करना था, आप ऑलरेडी कर चुके हो। अभी आपको एक चीज करनी है, वो है हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन योर टैलेंट एंड हैव फेथ ऑन योर नॉलेज। अगर आपने कॉन्फिडेंस में अभी कमी आई तो जो आता है वो भी नहीं लिख पाओगे। फ्रॉम व्हाट आई कैन से इज, आपको जो आता है आपको वो लिखना है, आपको जो नहीं आता है आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, सिंपल। कुछ बातें एग्जाम के रिलेटेड ख्याल में रखिए। एग्जाम के बारे में, एग्जाम पेपर होते ही कभी भी पेपर बैठ के डिस्कस ना करें, ना अपने आप से, ना अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से, ना अपने बेस्ट फ्रेंड से, ना आपके क्लासमेट से, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना टेलीग्राम पे, किधर भी नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया आप बंद करके रख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े दिन में कोई भगवान मतलब कुछ आने नहीं वाले यहाँ पर, मतलब कुछ चेंज नहीं होने वाला दुनिया में। पेपर जितना डिस्कस करना है, हम लोग ने इनफैक्ट बाहुबली टीम ने भी डिसाइड कर लिया कि पेपर के बाद हम एनालिसिस नहीं करेंगे, पेपर्स के बाद करेंगे। एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। अभी जब पेपर चल रहे हैं हम बीच में एनालिसिस नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा इंटेंशन है टू सपोर्ट यू गाइज, नॉट टू डिमोट यू गाइज। दूसरा, पेपर हो जाने के बाद उसका टेंशन कैरी फॉरवर्ड मत करो। अकाउंट अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, लॉ करो। अकाउंट अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, लॉ अच्छे से करो। हमने नोटिस किया है यूजुअली दैट जो पेपर आपका अच्छा नहीं जाता उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और जो पेपर अच्छा आता है उसमें कम मार्क्स मिलते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं, लॉ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट। सो बच्चों को लॉ पढ़ते वक्त बड़ा आसान लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने पे भी उनको आसान लगता है, लेकिन जब वो आंसर लिख रहे होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और लिखने के बाद उनको एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं नहीं मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट रिजल्ट्स में दे डोंट गेट व्हाट दे थिंक दे शुड गेट. द रीजन इज राइटिंग प्रैक्टिस. नाउ अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप मैराथन्स और राइटिंग प्रैक्टिस इसी पे फोकस करो. कोई भी यूनिट चैप्टर जब आप पढ़ोगे लॉ का, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ो. हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ये मत सोचो, एग्जाम में क्या क्या आता है ये सोच के पढ़ो. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स विच आर नॉट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट. टू गेट एन आइडिया व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट, आप हमारे मैराथन लेक्चर देखो, हमने स्टार करवाया इन चीजों पे. मैंने तो एक लेक्चर में पूरे पॉइंट्स ही लिख के दे दिए लॉ के कि इस पे फोकस करना है, बाकी चीजों को आप फास्ट में पढ़ के आगे जाओ, फास्ट में पढ़ो आगे जाओ, कोई बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग उसमें करो मत. कुछ चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखी बोली है उसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो कि ये क्वेश्चन आया था, इस तरह से आंसर प्रेजेंट किया गया है और वो सेम तरह से आप उसको प्रेजेंट करो इन एग्जाम एज वेल. प्लीज 2 मार्जिन बनाकर ले जाना. कैलकुलेटर लॉ में भी लगता है, लग सकता है, कैलकुलेटर लेकर जाना. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको ले जानी है, अपना आईडी कार्ड आपको ले जाना है. डोंट कैरी एनी एक्स्ट्रा बुक्स. थोड़ा जल्दी जाइए, 1 बजे पहुंच जाइए, 40 मिनट्स वहां पर बैठिए चलेगा. लेट योर बॉडी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. अभी बारिश का टाइम है हर जगह, तो रेनकोट एंड ऑल, तो कभी भीग भी गए तो 40 मिनट्स में आप थोड़ा सूख जाते हो. सो हड़बड़ी ना हो, बिकॉज हड़बड़ी विल ऑलवेज रिजल्ट इन टू, मैं बोल रहा हूँ, कामनेस चला गया, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, टेंशन आएगा और टेंशन से ट्रबल आएगा. तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन सीसी नॉट इन टीटी. तो सीसी में रहने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा जल्दी एग्जाम हॉल पे जाओ, और बाकी लोग वहां पे आपको पागलों की तरह पढ़ते नजर आएंगे या तो पागलों की तरह बातें करते नजर आएंगे. ना हमको पढ़ना है ना वहां जाके बात करना है. हड़बड़ी इज इक्वल टू गड़बड़ी, बराबर. ना हमको पढ़ना है ना जाके बात करना है, हमको सिर्फ रिलैक्स होकर वहां बैठना है. हम वहां पे क्यों आए, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से मैनेज करने, मैच करने, दैट्स ऑल. कोई भी दिक्कत आती है, टेबल हिल रहा है, आपको अपना सीट नहीं मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आता है, बारिश का पानी आ रहा है, धूप आ रही है, वॉट एवर इज द इश्यू, काम, कॉन्फिडेंट, काम रह के अपने जैसी इन्विजिलेटर आए जाइए, बोलिए एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, मुझे ये दिक्कत यहाँ हो रही है, प्लीज मुझे आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, या मुझे आप दूसरे क्लास में या दूसरे रूम में कहीं और, या विद इन क्लास ही आप कहीं शिफ्ट करवा दीजिए. ठीक है, आराम से वो लोग करेंगे. कोई आपको क्या चाहिए सब मिलेगा, है ना. आपको कुछ अर्जेंटली आपको डिजीनेस आ रहा है, आप बोलिए आपके लिए पार्ले जी का पैकेट वो लाकर दे देंगे. आपको पानी चाहिए, पानी लाकर दे देंगे. आपको हैंड सैनिटाइजर चाहिए, वो भी मिलेगा, अपना लेकर जाइए, बेटर रहेगा. बट हड़बड़ी मत करो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये नहीं होना चाहिए. एंड आई नो इट शुड नॉट बी सेड, बट राइट बिफोर दे आर हैंडिंग यू द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 1:45 PM पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है. 1:40 PM या 1:42 PM पे गो टू वॉशरूम. मैं नहीं चाहता कि अगले 3 घंटे 15 मिनट में आपको कुछ ऐसा लगे कि यार टाइम वेस्ट होगा. आई नो इट शुड नॉट बी सेड, बट इट विल सेव योर टाइम, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग. ठीक है, जाइए, थोड़ा एकदम आप थोड़ा वॉक करते हैं ना तो बॉडी में वो ब्लड प्रेशर, ब्लड भी फ्लो होता है, तो एकदम जबरदस्त होता है. सो बी काम एंड यू गॉट दिस. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. And don't forget to at least drop me a message how it was. If you want, you can. If नहीं भी करोगे तो कोई problem नहीं, लेकिन पूरे exams होने के बाद जरूर मुझसे contact करिए. भूलना मत, मेहनत हमने भी की है, हमारा भी exam, हमारा भी result आपके साथ है. So thank you Nandini, welcome to the class. Happy birthday Nandini once again. नहीं बेटा, exam में अपना नाम address नहीं लिखना, ये better है. अकाउंट्स एग्जाम के बाद आप कब सेशन लोगे लॉ का, टाइमिंग बता दो प्लीज. अकाउंट के पेपर होने के बाद तुरंत ही 7 बजे हम लोग हमारा लाइव हो जाएंगे. 7 बजे शाम में लाइव आ जाऊंगा मैं. ठीक है, और मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली रिवीजन भी प्लान करके ला रहा हूं, तो डोंट वरी, हम लोग 7 बजे आके रिवीजन कर लेंगे. यप, ओके, ठीक है, तो 7 बजे मैंने आपको बता दिया. सो प्लीज कंसिडर प्लस अगर आप चाहे तो. ऑल द बेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बार आप लोग भागने लग जाओगे. ऑल द बेस्ट एंड मेक मी एंड योर पेरेंट्स प्राउड. बहुत हमको उम्मीद है, बट हमारी उम्मीदें आपके ऊपर बोझ नहीं बनने देना. हमारी उम्मीदें हमारा बोझ है, आपका नहीं. जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा हमको अच्छा लगेगा. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट. इफ यू नीड मी आई एम वन मैसेज अवे. फिर देखते हैं प्लस के एडवांटेजेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस के लिए आइकॉनिक ले सकते हैं. बैचेस आपके सामने है. प्लीज आस्क अदर्स टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सिलेक्ट CA फाउंडेशन. 3 month, 6 month, 12 month, 24 month. यहाँ पर CA आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. यस क्रिश बोलो. एंड 6 month, 12 month, 24 month ये तीनों ऑप्शंस आइकॉनिक में. यहाँ पर भी CA आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. कॉम्बो अवेलेबल है, वो चाहे नॉर्मल प्लस का हो या आइकॉनिक का हो. ऑल्सो एंटर इन टू कॉम्बैट 12 PM एवरी संडे एंड विन स्कॉलरशिप. 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ्स और 24 के साथ 3 मंथ्स अभी मिल रहा है फ्री. आप इसको यूज कर सकते हो. फॉलो करने के लिए लिंक आपको पता है. CA आपको आदर्श जोशी सर्च करना है. यू कैन फॉलो मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक. क्या बोला है, किधर बोला है? अगर आपको 1.5 आवर्स लगते हैं तो अप्रोप्रिएटली आप पहले निकले, मिनिमम 2 आवर्स पहले निकलिए. मतलब वहां पर जाकर आधी घंटा आपको बैठना है. क्रिश यस यस, आई मिस यू गाइस टू. आई होप टू सी यू इन इंटरमीडिएट. अच्छा 8 PM वो मैं क्रिश यूनिवर्सली स्टार्ट करने वाला हूं. हम लोग ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करता हूं. टाइमिंग का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बिकॉज ज्यादा लेट करेंगे ना तो रात में 12 बजे तक भी नहीं बैठाना है. बिकॉज आप ऑलरेडी मैं बताता हूँ एग्जाम के बाद 3 घंटे इतना दिमाग लगाते हो, आपकी बाद में ज्यादा दिमाग चलता नहीं है. रेस्ट भी जरूरी है. और आप तो मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हो ना क्रिश, है ना? सर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो. सर आप बताइए कि एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करें. हर्षित मैंने ये हाउ टू राइट में बताया है एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करें. आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो. राइटिंग प्रैक्टिस के भी वीडियोस लिए. और मैं अगर मेरे को जमता है ना तो मैं आजकल में राइटिंग, आज नहीं कल परसों 2-3 दिन राइटिंग प्रैक्टिस रैंडमली लूंगा. किसी को टाइम है तो आकर आप बैठ के देख सकते हो जिसका अकाउंट प्रिपेयर्ड है. मुझे पता है कि अभी लॉ में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, दैट इज अंडरस्टूड, बट आई वांट टू गिव इट इफ समवन इज रेडी टू एक्सेप्ट. वो देख सकता है. मैं कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ, ठीक है? ओके मैराथन में राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैराथन में फास्ट राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे. एक आधा MTP वगैरह लेके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? ओके सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल. हाँ यस, खत्म, टाटा, फिनिश, बाय बाय. लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमारा रिलेशन भी खत्म हो गया. So because like teacher और student का relation is for life, because there are some teachings जो आज आपको काम आ रही है, लेकिन कई मेरी बातें जो आपको बहुत सालों बाद भी याद आएगी. So this is ever growing relation. Keep rocking guys. ठीक है, stay calm and even if you forget things, अगर आप कुछ भूल भी जाते हो तो वहां पर काम से टेंशन में नहीं आना है. अरे यार स्केल नहीं लाया, ब्लैक पेन भूल गया. रिलैक्स, आस्क देम, आस्क अदर्स अराउंड बिफोर एग्जाम, बिफोर ड्यूरिंग एग्जाम. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिर्फ इन्विजिलेटर से बात करना है और किसी से नहीं. बट बिफोर एग्जाम्स अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिफोर क्वेश्चन पेपर इज बीन हैंडेड ओवर टू यू, आप इन्विजिलेटर को या अपने फेलो दोस्तों को भी बोल सकते हो. पीपल यूजुअली कैरी एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेंसिल्स, एक्स्ट्रा स्केल्स, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर एज वेल. आई यूज्ड टू कैरी 2 calculators. मैं जिंदगी में कैलकुलेटर कभी खराब नहीं हुआ, लेकिन डर एग्जाम में हो गया तो. सो आई यूज्ड टू कैरी 2 calculators, वो भी आइडेंटिकल. अलग अलग 2 type के कैलकुलेटर मत ले जाना, बिकॉज आपका हाथ एक पे बैठा होता है, दूसरे पे नहीं. तो जिस पे हाथ बैठा है वही सेम टाइप के 2 calculator लेके जाने का, ये सारी चीजें हैं. यस क्रिश, आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर यू. तो हमारा रिलेशन एंड नहीं है बेटा, अभी तो एक रिलेशन की बहुत अच्छी शुरुआत है. और मैंने आपको जब लॉ पढ़ाया है तो मैंने कई चीजें ऐसी पढ़ाई है जो आप CA इंटर में दोबारा आपको आइदर मैं या कोई और एजुकेटर पढ़ाएगा तो आपको डेफिनेटली मेरी याद आने वाली है. यस तो राइटिंग प्रैक्टिस पक्का मैं देखता हूं बेटा, डोंट वरी. थैंक यू गिविंग पाथ, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर. अब मैं एंड कर रहा हूं क्लास, ठीक है? बाय बाय. हर्षित आप वो देखना याद से, हाउ टू राइट, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है. हाउ टू सॉल्व केस स्टडी एक रिसेंट मैंने अनअकैडमी CA फाउंडेशन पे वीडियो लिया है, वो आप देख लो. उसमें ये दोनों प्रॉब्लम आपकी कवर हो जाएगी. इंप्रेस कैसे करना है, कैसे लिखना है, और आपका मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए बिफोर एग्जाम. अभी अकाउंट्स पे आप फोकस कर सकते हो. किसी को बीसीआर अच्छा लगता है तो पहले बीसीआर और बाद में लॉ भी आप कर सकते हो, ये भी आप स्ट्रैटेजी करते हैं बच्चे, आप उसको चेकआउट कर लेना। मतलब पहले एक घंटे में बीसीआर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में वो अकाउंट लॉ करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इसमें कि बीसीआर में अगर कुछ मतलब ऐसा है कि कहीं मार्क्स कटने का स्कोप है तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। पहले 3 क्वेश्चन ऐसे लिखना जिसमें मार्क्स काटने का स्कोप ही ना बचे, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। पहले 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बोले तो सब क्वेश्चन ही बड़े बड़े 3 क्वेश्चन कि भाई 10-15 पेज से वो बंदे को मार्क्स काटने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अगर उसको मार्क्स काटने का मौका ही नहीं मिलता है ना, तो वो मार्क्स काटने की आदत उसकी रहती नहीं है, तो वो इसको लगता है अरे बहुत टैलेंटेड बच्चा है, एंड देन ही गिव्स यू मोर मार्क्स। नहीं, आई विल बी देयर इन इंटर, डोंट वरी। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।